हेलो विद्यार्थियों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में 2020 का जो तीसरा सेट है वो आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इसके पहले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कराए गए थे, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, जो तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर दिया गया सदिश पी के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए, और आगे इसमें लिखा है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बात हुई है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, और इसमें लिखा है कि द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक। तो जो वैद्युत द्विध्रुव होता है ये दो आवेशों से मिलकर बनता है, इसमें एक आवेश होता है आपका माइनस और दूसरा होता है प्लस। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ये हम लोग मध्य बिंदु मान लेते हैं ओ, इस बिंदु से आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु लिया गया है, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग बिंदु है ए। तो इस बिंदु पर जो है आपको वैद्युत विभव का व्यंजक बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रथम स्थिति, क्योंकि इसमें दो स्थितियाँ दी गई हैं। तो पहली स्थिति में ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखिए बिंदु ए पर वैद्युत विभव। तो बिंदु ए पर जब वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सूत्र होगा V बराबर 1/4πε0 × P, यहाँ पर लिखेंगे आप P/R2। P जो होता है ये यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए सेकंड स्थिति में ये बताया जा रहा है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है इससे अगर 90 डिग्री घुमा दिया जाए, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव था अगर इससे आप 90 डिग्री घुमा दें तो आपका वैद्युत द्विध्रुव जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस क्यू। इसका मध्य बिंदु ओ, इस मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर जो है आपको यहाँ पर इस बिंदु पर जो है वैद्युत विभव बताना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ए पर वैद्युत विभव। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री जो है इसे घुमा दिया गया, तो यहाँ पर जो वैद्युत विभव होगा वो हो जाएगा शून्य। अब यहाँ पर आपको दो स्थितियाँ समझना है। इसमें बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में जो है उसके केंद्र से आर दूरी पर वैद्युत विभव, इसका मतलब ये यहाँ पर जो स्थिति है इससे हम लोग बोलेंगे अक्षीय स्थिति। जो ये स्थिति है कौन सी होगी? अक्षीय स्थिति, इससे बोला जाता है अक्षीय स्थिति। और इसमें ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर हम लोग द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देंगे तो इस स्थिति को बोला जाएगा निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। तो ये होगी आपकी अक्षीय स्थिति और ये होगी निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र आपका ये होगा वी बराबर 1/4πε0 P/R2। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का अगला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि एक्स वाई तल में रखी 0.2 m² पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से, यहाँ पर दिया गया है सदिश बी बराबर, इसमें आपको दिया गया है सदिश बी बराबर 3i और इसके बाद है प्लस 4k टेस्ला। तो ये तो यहाँ पर आपको दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें लिखा है बद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको फ्लक्स ज्ञात करना है, यानी कि फाई बी, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हुई थी एक्स वाई तल की, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स वाई तल का सदिश। तो एक्स वाई तल का जो सदिश होता है वो होता है के कैप, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्स वाई तल का जो सदिश होता है वो के कैप होता है। तो अगर सदिश के कैप है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो आपको पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया था वो दिया गया था 0.2 m², यानी कि यहाँ पर जब पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.2 k³ m². अब यही पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है, आपको ये पता होना चाहिए कि ध्यान दीजिए एक होता है आपका एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष और एक होता है जेड अक्ष। जो एक्स अक्ष का सदिश होता है वो होता है आई कैप,
वाई एक्स का जो सदिश होता है वो होता है जे कैप, और इसके अलावा जेड एक्स का सदिश होता है के कैप। ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्स का सदिश आई कैप, वाई एक्स का सदिश जे कैप और जेड एक्स का सदिश के कैप होता है। तो यहां पर बात हुई थी एक्स वाई तल की, यानी कि एक्स और वाई, जब इस तल की बात करेंगे तो इस तल का जो सदिश होगा वो के कैप होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, यहां पर तो एक्स वाई तल का जो सदिश होगा वो के कैप हो जाएगा। तो यहां पर क्षेत्रफल इतना आ गया। अब सूत्र आप प्रयोग करेंगे फाई बी बराबर, सूत्र होता है यहां पर बी डॉट ए, ये सूत्र होता है, इसमें मान रखेंगे। तो b का मान ये रखना है आपको 3 i कैप प्लस 4 k कैप, फिर डॉट a का मान आप ये रखेंगे यानी कि 0.2 k कैप, इतना हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर i कैप है, इसमें i कैप नहीं दिया गया है, तो i कैप नहीं है तो इसका मतलब ये वाला मान तो जीरो हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए प्लस, जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 2 = 8, इतना होगा। एक अंक पर दशमलव लगा है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। इस प्रकार से के कैप और के कैप का गुणा जो होगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 0.8। हम लोग यहाँ पर फ्लक्स ज्ञात कर रहे थे इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वेबर, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसका क्वेश्चन नंबर गा, इसमें लिखा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने का 6 नियतांक लिम्डा है, इसकी अर्ध आयु तथा औसत आयु का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको 6 नियतांक बताया गया है, 6 नियतांक जो है ये लिम्डा है, इसमें आपको अर्ध आयु का सूत्र, अर्ध आयु, और इसके अलावा औसत आयु का सूत्र ज्ञात करना है, औसत आयु। तो अर्ध आयु का सूत्र होता है टी बराबर 0.6931 और बटे में होता है लिम्डा। तो ये यहाँ पर जो है अर्ध आयु का सूत्र हो जाएगा 6 नियतांक के पदों में। इसी प्रकार अगर आपको औसत आयु ज्ञात करना तो औसत आयु को हम लोग लिखते हैं टाउ से, सूत्र होता है 1.44 × यहाँ पर होता है टी, यानी कि यहाँ पर अर्धायु, ये सूत्र होता है। लेकिन इसमें बताया गया था 6 नियतांक लेमडा है, यानी कि आपको जो भी फार्मूला लिखना है वो लेमडा के पदों में लिखना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, इसे आप ऐसा लिखिए टाउ बराबर 1.44 × टी का मान आप ये वाला प्रयोग करिए यानी कि 0.6931 और बट्टे में आ जाएगा लेमडा। तो इस फार्मूले में भी यहाँ पर लेमडा आ गया, यानी कि दोनों फार्मूले जो है यहाँ पर लेमडा के पदों में रहेंगे। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यहाँ पर आपको फार्मूला मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको ये फार्मूला बताना है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर घा, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया कि दर्शाए गए गेट में, यहाँ पर जो आपको ये गेट दिया गया है, इस गेट में वाई बराबर 1 प्राप्त करने के लिए ए बी और सी के मान क्या होंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि जो गेट दिया गया है, इस गेट में y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए, जो आपको ये y दिया गया है इसका मान 1 प्राप्त करने के लिए a b और c के मान जो है क्या होने चाहिए, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो गेट दिया गया है इसे हम लोग बोलते हैं r गेट, ये होता है आपका r, यानी कि o r गेट, और ये जो दिया गया है यहाँ पर ये होता है एंड गेट। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको आर गेट और एंड गेट इन दोनों की सत्यता सारणी पता होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले आर गेट, इसकी आप सत्यता सारणी ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए जब सत्यता सारणी बनाएंगे तो इसमें 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा। इस प्रकार से यहाँ पर ए बी ये दोनों इनपुट हैं और वाई इसका आउटपुट होता है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं वाई डैश। इस प्रकार से तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इसका मान 0 और इसका मान 0 तो जो आउटपुट आता है वो आता है 0, अगर इसका मान 0 और एक का मान 1 है तो इसका आउटपुट आता है 1, अगर पहला 1 फिर ये वाला 0 तो भी इसका आउटपुट 1, और अगर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 तब भी इसका आउटपुट आता है 1, ये होता है आपका और गेट। और अगर हम लोग एंड गेट की बात करें तो अब ध्यान दीजिए एंड गेट, इसकी सत्यता सारणी इस प्रकार से आप यहाँ पर सत्यता सारणी बनाएंगे, इसमें भी 1
दो इनपुट होंगे आपके, ए यहां पर ध्यान दीजिए, एक इनपुट यहां से लिया जाएगा, यहां पर जैसे कि मान लीजिए इसका आउटपुट क्या माना गया, वाई डैश, इस प्रकार से आपने मान लिया। तो ये जो वाई डैश है इसके लिए इनपुट का कार्य करेगा, तो यहां पर इसकी जगह पर आपको प्रयोग करना है वाई डैश, क्योंकि इसके लिए ये जो है इसका इनपुट है, एक ये इनपुट है और एक ये इनपुट है। तो फिर यहां पर ध्यान दीजिए इसका जो आउटपुट आएगा ये क्या होना चाहिए, वाई। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर एक इनपुट जीरो और दूसरा भी जीरो तो इसका मान यहां पर आएगा जीरो, अगर एक जीरो है दूसरा वन है तो भी इसका मान जीरो, अगर एक यहाँ पर वन है दूसरा यहाँ पर जीरो तब भी इसका मान जीरो, जब यहाँ पर दोनों इनपुट वन होंगे तब इसका आउटपुट यहाँ पर वन आएगा। तो अब ध्यान दीजिए इस गेट की सहायता से यहाँ पर वाई मिलेगा आपको, तो इस वाई में वन कब आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वन आ रहा है, वन तब आएगा जब सी का मान कितना हो, वन। और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसमें अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस वाई डैश का मान कितना है, वन। तो y डैश का मान वन कब होगा, अब ध्यान दीजिए इसमें तीन स्थितियां हैं, या तो ये दोनों वन हो जाएं या फिर एक वन और एक जीरो हो जाए। तो जैसे कि मान लीजिए ये वाला हम लोग लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहां पर आपका ये a है ये b है, तो इसका मतलब a बराबर वन, b बराबर जीरो और इसके अलावा c बराबर कितना है, वन। अगर ऐसी स्थिति होगी तो यहां पर जो y मिलेगा ये कितना मिलेगा, वन, क्योंकि आप यहां पर ध्यान दीजिए वन रखेंगे यहां पर जीरो रखेंगे तो यहां पर वन आ जाएगा। कुल मिला के इतना याद रखना है कि अगर यहां पर इसका मान वन आ रहा है जिन स्थितियों में, उस स्थिति में यहां पर जो है y आपका वन आ जाएगा जब इसका मान भी आप वन प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर सी वाले में ध्यान दीजिए जब दोनों वन होते हैं तभी यहां पर वन मिलेगा। तो आपको ये तो वन लेना ही है, साथ में यहां पर ये जो है इसमें आपको ऐसे मान लेने जिससे कि यहां पर वन आ जाए, और यहां पर वन जो है ये तीन स्थितियों में आ सकता है, तो इनमें से आप कोई भी मान यहां पर चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से चाहे तो आप ये वाला मान ले लीजिए, या फिर आप ये ले सकते हैं ए अगर जीरो है बी आपका वन है ये भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप ए भी वन ले लीजिए और बी भी वन ले सकते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पर ये प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी के अथवा में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें यहाँ पर अथवा में दिया गया है कि एंड गेट का लॉजिक प्रतीक तथा सत्यता सारणी लिखिए। यहाँ पर एंड गेट का जो है आपको लॉजिक प्रतीक, ध्यान दीजिए एंड गेट का लॉजिक प्रतीक किस प्रकार से होगा, एंड गेट जो होता है आपका इस प्रकार से होता है, इसमें दो इनपुट होते हैं, इस प्रकार से दो इनपुट हो जाएंगे और एक जो है आपका आउटपुट हो जाएगा, ये होता है आपका एंड गेट, इसे हम लोग बोलते हैं लॉजिक प्रतीक, लॉजिक प्रतीक। तो ये हो गया एंड गेट का लॉजिक प्रतीक। इसके अलावा इसकी सत्यता सारणी लिखनी, तो सत्यता सारणी ये हो जाएगी एंड गेट की सत्यता सारणी, जो भी आपको इसमें बताई गई थी यही यहाँ पर जो है इसकी सत्यता सारणी हो जाएगी। बस आपको जहाँ पर इसमें वाई डैश और सी बताया गया था उसकी जगह पे आप ये प्रयोग कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर ए का प्रयोग कर दीजिए यहाँ पर बी का प्रयोग कर दीजिए, तो ये दोनों इनपुट हो जाएंगे ये आउटपुट हो जाएगा, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी सत्यता सारणी लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर चार, इसमें जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है कि विद्युत परिपथ संबंधी किरचाफ के नियमों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर खा, इसमें दिया गया कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 × 10^28 प्रति मीटर, ध्यान दीजिए यहाँ पर -3 लिखा है, -3 नहीं होगा यहाँ पर प्रति मीटर क्यूब होगा। इसके बाद आगे लिखा है 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर² अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको धारा का मान ज्ञात करना है, और तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जो है 4.5 × 10^-6 m² वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व दिया गया, यानी कि उनकी संख्या दी गई है, एन बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 8.5 × 10^28 प्रति मीटर क्यूब, इतना हो जाएगा। इसके बाद लिखा है 20 सेंटीमीटर लंबाई, यहाँ पर लंबाई आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद क्षेत्रफल दिया गया है, ये दिया गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल।
और इसके अलावा इसमें दिया गया 4 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है आपको 4 वोल्ट, इतना हो गया। और इसके अलावा ध्यान दीजिए आगे गतिशीलता दी गई है, यानी कि म्यू, इसका मान दिया गया है 4.5 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इसके अलावा वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इतना हो जाएगा। और इसमें धारा का मान आपको ज्ञात करना है, तो अब ध्यान दीजिए सूत्र होता है I बराबर NE A VD, इतना होता है। इसके अलावा आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए म्यू यानी कि गतिशीलता बराबर होता है VD/E, इतना होता है। अगर यहाँ से VD ज्ञात करेंगे तो VD बराबर हो जाएगा μ × E, इतना होगा। तो VD की जगह पे आप ये प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा I बराबर NE A, VD की जगह पे लिखेंगे आप μ × E। E भी ध्यान दीजिए इसमें कहीं नहीं दिया गया है, तो इस E को भी आपको हटाना है। तो सूत्र होता है E बराबर V/L, इतना होता है। इसकी जगह पर ये प्रयोग करिए तो I बराबर NE A यहाँ पर हो जाएगा μ × E की जगह पे हो जाएगा V/L। अब यहाँ पर जितने भी इसमें दिए गए हैं इन सभी के मान यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो अब ध्यान दीजिए I बराबर N, इसका मान लिखेंगे 8.5 × 10⁸ / E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इसका मान होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, इतना हो जाएगा। / यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है, ये हो जाएगा 1 × 10⁻¹⁴, इतना हो गया। इसके अलावा म्यू यानी कि गतिशीलता, इसका मान है 4.5 × 10⁻¹⁶, इतना हो जाएगा। और इसके बाद है वी का मान दिया गया है आपको 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। और इसके बाद बट्टे में है एल का मान आपको दिया गया है यहाँ पर 20 × 10⁻², इतना हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है 20, अगर इसको हम लोग 2 से कैंसिल कर दें यानी कि 2 × 20, 2 से ये कट जाएगा। और इसके बाद ध्यान दीजिए इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 2 × 8 = 16, यानी कि 0.8, इतना आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर होगा I बराबर 8.5, पहले ध्यान दीजिए ये लिखेंगे, इसके बाद × 0.8, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए × 4.5, ये हो जाएगा। और / यहाँ पर हो जाएगा 4, इतना हुआ। इसके बाद / अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 10⁸ दिया गया है, इसके अलावा ध्यान दीजिए ये −19, ये −4, तो −19 और 4 जुड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा −23, और −23 में ये वाले भी −6 जुड़ जाएंगे तो −23 और −6 मिलके हो जाएंगे −29, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 10⁻², और ये दिया गया है आपको +28। और ये ध्यान दीजिए यहाँ पर 10⁻ है −2, और ये 10⁻ कितना होगा 1, तो −2 से ये वाला 1 निकल जाएगा तो बचेगा 10⁻-1, और 10⁻-1 जब ऊपर आएगा तो प्लस में आएगा, तो ये इतना हुआ। यानी कि I बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 8.5 × यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 8 × 32 कितना होगा, 8 × 32 हो जाएगा, 32 का मतलब 3.2, और × 4.5 इतना हो गया। / यहाँ पर ध्यान दीजिए 28 और 1 = 29, 29 से 29, ये भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर power 0, और 10⁻⁰ का मान होता है 1। जब इसका आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 122.4 एम्पियर, इससे आप यहाँ पर गुणा करके चेक कर लीजिएगा, तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर गा, इसमें पूछा जा रहा है कि चुंबक की प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, और आगे इसमें दिया गया है कि सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू आर तथा चुंबक की प्रवृत्ति काई एम में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले तो इसमें आपको बताना है कि चुंबक की प्रवृत्ति क्या है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति, तो यहाँ पर याद रखिएगा चुंबकीय प्रवृत्ति, या फिर इसे बोला जाता है चुंबकीय सुग्राहिता। अगर यहाँ पर ये लिखा होता है कि चुंबकीय सुग्राहिता किसे कहते हैं तो भी इसका मतलब यही होगा, याद रखिएगा चुंबकीय प्रवृत्ति, या फिर इसे बोला जाता है चुंबकीय सुग्राहिता। तो आप लोग याद रखिएगा कि किसी
पदार्थ में जो है चुंबकत्व को धारण करने की जो क्षमता होती है उसे ही बोला जाता है चुंबकीय प्रवृत्ति, या फिर आप बोल सकते हैं चुंबकीय सुग्राह्यता। तो अब बताएंगे यहां पर किसी पदार्थ में चुंबकत्व को धारण करने की क्षमता को चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राह्यता कहते हैं, सुग्राह्यता कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, किसी पदार्थ में चुंबकत्व को धारण करने की जो क्षमता होती है उससे हम लोग चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और इसके अलावा बता सकते हैं कि इसे जो है काई एम से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा इसे जो है काई एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे जो है काई एम से प्रदर्शित कहता है। इसके अलावा आपको इसमें बताना है चुंबकशीलता कैसे कहते हैं, चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, सूत्र ध्यान दीजिए, जो चुंबकशीलता है इससे हम लोग लिखते हैं म्यू से, और सूत्र होता है म्यू बराबर बी बटे एच। ये होता है बी यहाँ पर जो है चुंबकीय प्रेरण है, और एच यहाँ पर जो है चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता है। तो आप बता सकते हैं चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं, याद रखिएगा। आप बताएंगे यहाँ पर कि चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, या बोल सकते हैं चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो अगर आप परिभाषित करेंगे तो आप बता सकते हैं यहाँ पर चुंबकित, यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण यानी कि बी तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता यानी कि H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं, उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं, और इसे जो है म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण यानी कि बी तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता यानी कि एच के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। अगर आप इस प्रकार से नहीं लिख पाते तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कि चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित करेंगे। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आपको संबंध स्थापित करना है म्यू आर यानी कि चुंबकशीलता, और इसके अलावा जो है चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि काई एम, इसमें जो है आपको संबंध स्थापित करना है। तो यहां पर लिखेंगे आप में संबंध, तो इसमें संबंध ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, इसे हम लोग लिखते हैं H से, सूत्र होता है B बटे म्यू नॉट माइनस I, ये सूत्र होता है। अगर यहाँ से हम लोग B का मान ज्ञात करें तो I इधर आएगा यानी कि H प्लस I हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा B बटे म्यू नॉट। B यहाँ से ज्ञात करेंगे तो म्यू नॉट इधर गुड़े में आ जाएगा यानी कि म्यू नॉट H प्लस I इतना होगा।
और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आई बराबर होता है काई एम और इंटू एच, ये सूत्र होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी बराबर म्यू नॉट एच प्लस आई की जगह पी ये वाला मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा काई एम इंटू एच, बी बराबर म्यू नॉट, दोनों में एच कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा काई एम, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, बी बराबर होता है म्यू इंटू एच, ये कहाँ से लिखा गया, ध्यान दीजिए जो अभी आपको सूत्र बताया गया था, ये अगर यहाँ से हम लोग बी ज्ञात करते तो ये इधर गुणे में आ जाता है, यानी कि म्यू इंटू एच इतना हो जाता। तो उसी प्रकार बी की जगह पे आप इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बी की जगह पे लिखेंगे म्यू इंटू एच बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एच 1 प्लस काई एम, इतना हो जाएगा। इसमें यहाँ पर जो है एच से एच कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद म्यू ये जब इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा म्यू नॉट और बराबर में हो जाएगा 1 प्लस काई एम, इतना होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि म्यू आर बराबर होता है म्यू बट्टे म्यू नॉट, इसे हम लोग बोलते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी जगह पे आप लिखेंगे म्यू आर बराबर हो जाएगा 1 प्लस काई एम, तो ये यहाँ पर जो है सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये यहाँ पर है सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता बराबर 1 प्लस चुंबकीय प्रवृत्ति, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसमें संबंध ज्ञात करेंगे। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।